भारतीय सेना की नाम सुनते ही हमारे दिल दिमाग में देशभक्ति की तरंग जाग उठती है, और जागे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश के सैनिक निस्वार्थ भाव से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन फौज में जाना कोई आसान कार्य नहीं, भर्ती होने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फौज के लिए तेज दिमाग के साथ साथ शारीरिक रूप से फिट होना और फुर्तीला होना बहुत जरूरी है। सेना के फिजिकल टेस्ट में चुस्ती के साथ फुर्ती बहुत काम आती है, क्योंकि इस दौरान कम से कम समय में दौड़ पूरी करनी होती है, और यह तभी संभव है जब आप फिजिकल रूप से फिट हैं। अन्यथा एक सेकेंड की देरी और आप भर्ती से बाहर। तेज दौड़ने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताई गई है, जिसे रोजाना फॉलो करने से आप 1600 मीटर की दौड़ को महज 5.5 मिनट में पूरी कर लेंगे। सेना में भर्ती होने के लिए कई सारे पड़ाव होते हैं, जिसमें सबसे मुश्किल होती है दौड़। दौड़ना कठिन नहीं है, मगर गति के साथ कम समय में 1600 मीटर दौड़ना बहुत कठिन है। अब सवाल आता है कि आखिर गति कैसे बढ़ाई जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष एक्सरसाइज का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने वजन को संतुलन में रखना होगा। यदि वजन अधिक है तो दौड़ते हुए आप जल्दी थक जाएंगे, और वजन अधिक होने पर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। और अपने मसल को मजबूत बनाएं, जिसके लिए आपको पुशअप, पुल अप्स और जंप करना चाहिए। और हेल्दी डाइट अपनाएं, बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं, इसकी जगह पर घर का बना और हेल्दी खाना नियम पूर्वक खाएं। अधिक पानी पिएं, पानी पीने से शरीर में मौजूद टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिसमें बीमारियां भी पास नहीं आती और बॉडी हाइड्रेट रहती है। और स्टेमिना बढ़ाएं, तेज और लंबे दौड़ के लिए बॉडी में स्टेमिना का होना बहुत जरूरी है। दौड़ में स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको आलस त्यागना होगा। इसके लिए रोजाना सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर आलस को दूर भगाना सबसे कठिन टास्क होता है। इस दौरान आपको वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि वार्म अप करने से शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है और दौड़ते वक्त थकान का एहसास नहीं होता। दौड़ शुरू करते वक्त अपने कदम छोटे रखें और हल्का दौड़े, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं। दौड़ते वक्त सांस फूलना स्वाभाविक है, लेकिन आपको इस दौरान मुंह के बजाय नाक से सांस लेनी चाहिए। मुंह से सांस लेने पर आप जल्दी हांफने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आप जल्दी थक जाएंगे। दौड़ने के साथ साथ स्ट्रेचिंग करना भी बेहद जरूरी है। स्ट्रेचिंग से पैरों की मांसपेशियां पर खिंचाव पड़ता है और दौड़ते समय कदम लंबे होते हैं। और सेना में भर्ती में दौड़ते समय इन बातों को ध्यान रखें। दौड़ते समय आपको हल्के वजन के जूते पहनने चाहिए, जिससे आपको अपने पैर हल्के महसूस होंगे, थकान नहीं होगी और आपकी गति तेज होगी। दौड़ से 3 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने से शरीर में ऊर्जा और फुर्ती बनी रहेगी। और आपने देखा होगा कि हर एक खेल प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले खिलाड़ी वार्म अप करते हैं, क्योंकि वार्म अप करने से शरीर का तापमान बढ़ता है, मांसपेशियां खींचती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज हो जाता है। इसीलिए दौड़ने से पहले वार्म अप करना बेहद जरूरी है। और दौड़ शुरू होने पर पहला चक्कर तेज दौड़े, फिर दूसरा धीमा और अंत में काफ़ी तेज दौड़े। दौड़ते समय अपनी नज़र और गर्दन को सीधा रखें, पैरों की तरफ देखने से शरीर झुकेगा और आपका संतुलन बिगड़ सकता है। और दौड़ते हुए अपने कंधे को ढीला छोड़ दें, क्योंकि कंधे पर अधिक जोर देने से आपको अधिक थकावट महसूस होगी। सेना में भर्ती पास करने के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक रूप से स्वयं को मजबूत रखना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन करना चाहिए। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी उपाय को आजमाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।